हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम बात करने वाले हैं नॉइस कलर फिट प्रो 2 वर्सेस बोल्ट फायर बीच, देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है। ऑल दो यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो नॉइस कलर फिट प्रो 2 है आपको 2500 रुपये में मिल जाती है, और इसका न्यू मॉडल जो है जिसमें आप क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस लगा सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो, वो आपको करीब करीब 2900 रुपीस का मिल जाता है। यहाँ पे बोल्ट फायर बीस्ट आपको करीब करीब 3800 रुपीस की मिलती है। तो यहाँ पे 1000 रुपये देना वर्थ है कि नहीं वो जानेंगे पूरी वीडियो में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि मैं यहाँ पे आपको एक्जैक्टली जो ऑक्सीमीटर के साथ है कंपैरिजन करके दिखा सकूं इन दोनों वॉचेस का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे ऊपर की साइड में पूरा का पूरा मेटेलिक मिलता है। यहाँ पे मेटेलिक आपको बटन रोटेटेबल मिल जाता है, साथ में यहाँ पे पीछे की साइड हार्ट रेट स्कैनर SPO2 मॉनिटर आपको मिल जाता है मैग्नेटिक चार्जिंग के साथ। यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे आपको सिलिकॉन स्ट्रैप यूज़ किया गया है, उसी के साथ साथ यहाँ पे बकल पे फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है। ऑन द अदर हैंड नॉइस कलर फिट प्रो 2 में अगर मैं बात करूं, ऊपर की साइड पूरा पॉलीकार्बोनेट आपको मिलता है, नीचे की साइड भी पॉलीकार्बोनेट आपको मिलता है। यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है पावर ऑन ऑफ की, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक चार्जिंग मिल जाता है, यहाँ पे हार्ट रेट स्कैनर मिल जाता है, यहाँ पे SPO2 मॉनिटर मिसिंग है, और यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी मेरे को बहुत पसंद आई एज कम्पेयर टू यहाँ पे बोल्ट फायर बीस्ट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे भी इसी डिस्प्ले साइज़ की, तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे 1.3 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली थोड़ी सी ज़्यादा डिस्प्ले मिलती है, और बेजल्स भी यहाँ पे बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको करीब करीब 1.7 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, जिसकी पीक ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉइस कलर फिट प्रो 2। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा ब्राइट है एज कम्पेयर टू नॉइस कलर फिट प्रो 2। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ और फंक्शंस की फीचर्स की, तो यहाँ पे ऊपर की साइड से स्वाइप करने पे यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाते हैं, यहाँ पे ऊपर की साइड से स्वाइप करने पे सारे के सारे टॉगल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्वाइप करने पे आपको एप्पल का मेन्यू मिल जाता है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्वाइप करने पे टॉगल्स मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ राइट साइड में स्वाइप करने पे आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मेन्यू मिल जाता है नॉइस कलर फिट प्रो 2 में, और नीचे की साइड से स्वाइप करने पे आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। अब मैं बात करूँ मेन मेन्यूज़ की, तो यहाँ पे क्या क्या आपको मिलता है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप इसको ऑन करते हो, यहाँ पे इस तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे चार जो मेन्यूज हैं, चार जो टॉगल्स हैं उसमें ख़त्म हो जाता है पूरा का पूरा मेन्यू, और यहाँ पे बहुत सारे आपको फीचर्स एंड फंक्शंस मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉइस कलर फिट प्रो 2। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की, तो यहाँ पे 8 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, यहाँ भी आपको 8 स्पोर्ट्स मोड भी ही मिलते हैं, और यहाँ पे SPO2 मॉनिटर मिसिंग है जो कि इसमें अवेलेबल है। यहाँ पे आपको फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिल जाता है जो कि इसमें मिसिंग है। तो ये थोड़े थोड़े फीचर कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग आपको मिल रहा है, एक्जैक्टली चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। अब हम बात करें यहाँ पे सर्विस टेस्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे मैं एक्जैक्टली ऑक्सीमीटर के साथ भी एक बार आपको दिखा दूंगा किस तरीके से ये बताती है। तो यहाँ पे दोनों में हार्ट रेट खोल लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही चेक कर रही हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉइस कलर फिट प्रो 2 बता रही है यहाँ पे 57 सरफेस का जो हार्ट रेट है वो बता रही है, और यहाँ पे जो बोल्ट फायर बीस्ट है एग्जैक्टली 2 के साथ तो हार चुकी है एक्यूरेसी टेस्ट में, और यहाँ पे भी आई गेस बता रही है। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है दोनों में ही आपको हार्ट रेट स्कैनिंग बता रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूरेसी का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे दोनों ही वॉचेज़ में। अब मैं दोनों ही वॉचेस को पहन के दिखा देता हूँ आप सभी को, और देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीमीटर के साथ कंपेयर करके कि दोनों की एक्यूरेसी लेवल क्या आपको मिलती है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने दोनों ही वॉचेस को यहाँ पे पहन लिया है इस तरीके से, और यहाँ पे सबसे पहले हार्ट रेट को स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑक्सीमीटर के साथ यहाँ पे स्कैन करूँगा एग्जैक्टली। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है यहाँ पे जो एक्चुअल ऑक्सीमीटर में बता रहा है, तो वो 79-80 दिखा रहा है, और यहाँ पे इन दोनों में 76-79 दिखा रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट मैं कहूँगा थोड़ा सा नॉइस कलर फिट प्रो 2 है एज़ कम्पेयर टू बोल्ट फायर बीस्ट। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है। यहाँ पे SPO2 मॉनिटर तो है नहीं, तो मैं उसको मेज़र नहीं करूँगा, तो इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पे आप रेस टू वेक एक बार चेक कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं किस तरीके से कैसे मिलता है आपको दोनों में ही 1, 2 and 3। यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो 2 थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट हुई है, दोबारा हम एक बार चेक कर लेते हैं 1, 2 and 3। तो यहाँ पे दोनों ही सिमिलर परफॉर्म कर रही हैं। एक बार और यहाँ पे लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं 1, 2 and 3।
तो यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट हो रही है नॉइस कलर फिट प्रो 2। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। तो गाइज ये था मेरा डीप डाउन कंपैरिजन दोनों ही वॉचेस का, नॉइस कलर फिट प्रो 2 वर्सेस बोल्ट फायर बीस्ट। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और डेफिनेटली इस तरीके की डीप डाउन रिव्यूज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो अगर आपको कोई भी वॉच बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आके आप बाय कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।